दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों सुबह की वीडियो में हमने जो आपसे सवाल पूछा था कि संपूर्ण स्त्री जाति को किसने श्राप दिया, उनका नाम है युधिष्ठिर। चलिए भक्तों कथा की ओर चलते हैं। किसी नगर में एक राजा राज करते थे। वो राजा सारे नरपोची गुणों के सागर थे। उन जैसा न्यायप्रिय, दानी और त्यागी और कोई ना था। इन नरपोचित गुणों के अलावा उनमें एक और गुण था, वे बड़े ही शिकारी थे तथा निहत्थे भी हिंसक से हिंसक जानवरों का वध कर सकते थे। उन्हें पता चला कि एक हिंसक सिंह बहुत उत्पात मचा रहा है और कई लोगों का भक्षण कर चुका है, इसलिए उन्होंने उस सिंह के शिकार की योजना बनाई और आखेट को निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें सिंह दिखाई पड़ा और उन्होंने सिंह के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। वह सिंह कुछ दूर पर एक घनी झाड़ी में घुस गया। राजा घोड़े से कूदे और उस सिंह की तलाश करने लगे। अचानक सिंह उन पर झपटा और उन्होंने उस पर तलवार का वार किया। झाड़ी की वजह से वार पूरे जोर से नहीं हो सका, मगर सिंह घायल होकर दहाड़ा और पीछे हटकर घने वन में गायब हो गया। वह सिंह के पीछे इतनी तेजी से भागे कि अपने साथियों से काफी दूर निकल गए। सिंह फिर झाड़ियों में छुप गया। राजा ने झाड़ियों में उसकी खोज शुरू की। अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उसे गहरे घाव दे दिए। घोड़ा भय और दर्द से हिनहिनाया तो राजा पलटे। घोड़े के घाव से खून का फव्वारा फूट गया। राजा ने दूसरे हमले से घोड़े को बचा लिया, मगर उसके बहते खून ने उन्हें चिंतित कर दिया। वह सिंह से उसकी रक्षा के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर आगे बढ़े। उन्हें उस घने वन में दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। एक जगह उन्होंने एक छोटी सी नदी बहती देखी। वे घोड़े को लेकर नदी तक आए ही थे कि घोड़े से रक्त अधिक बह जाने के कारण उसने नदी के किनारे ही दम तोड़ दिया। उसे मरता देख राजा दुख से भर उठे। संध्या गहराने लगी थी, इसलिए उन्होंने आगे ना बढ़ना ही बुद्धिमानी समझा। वे एक वृक्ष से टिककर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ ही क्षणों बाद नदी की धारा में हो रहे कोलाहल की ओर गया। उन्होंने देखा दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव को दोनों ओर से पकड़कर झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते वे दोनों शव को किनारे लाए। उन्होंने देखा कि उनमें से एक मानव मुंड की माला पहने विभस्त दिखने वाला कपाली है तथा दूसरा एक बैताल है जिसकी पीठ का ऊपरी हिस्सा नदी के ऊपर उड़ता सा दिखाई दे रहा है। वे दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। कपाली का कहना था कि यह शव उसने तांत्रिक साधना के लिए पकड़ा है और बेताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। राजा को सामने पाकर उन्होंने उस पर न्याय का भार सौंपना चाहा, तो राजा ने अपनी शर्त रखी। पहली यह कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा और दूसरी कि उन्हें वे न्याय के लिए शुल्क अदा करेंगे। कपाली ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया जो चमत्कारी था तथा मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बैताल ने उन्हें मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया जिसका चंदन घिसकर लगाकर अदृश्य हुआ जा सकता था। उन्होंने बैताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया तथा कपाली को तंत्र साधना के लिए शव। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए तथा संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई थी और राजा को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए और राजा ने अपनी भूख मिटाई। फिर उन्होंने मोहिनी काष्ठ के टुकड़े को घिसकर उसका चंदन लगा लिया और अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु से खतरा नहीं रहा। अगली सुबह उन्होंने माता काली द्वारा प्रदान दोनों बैतालों का स्मरण किया तथा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। राजा ने तुरंत कपाली वाला बटुआ उसे दे दिया ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी न रहे। भक्तों हमें अपना लोभ छोड़कर लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, चाहे थोड़ी करें पर अवश्य करनी चाहिए। भक्तों आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।